तो हमारी बहुत बड़ी शहादत है, शराफत है, करामत है। होकर उम्मत काम करे नबियों का, काम करे नबियों का। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं भी अपना मकसद बदलूं, आप भी अपना मकसद बदले, अपने आप को ताजर, जमींदार, मजदूर, वजीर, सदर ये कहने की बजाय मैं नबियों के काम आना। सदर होना छोटी बात है, वजीर आजम होना छोटी बात है, माल वाला होना छोटी बात है। माल तो अल्लाह काफिरों को भी बहुत दे देता है, हुकूमत भी दे देता है, मुल्क भी दे देता है, ये तो काफिरों को भी बहुत दिया, बल्कि ज्यादा देता है, मुसलमानों से काफिरों को ज्यादा देता है, बल्कि और भी ज्यादा देना का काम मैं दे देता, लेकिन मुसलमान कमजोर, इन्होंने भी काफिर ही बन जाना है, इसलिए मैंने काफिरों को अभी थोड़ा दिया। 25वें पारे में कहा, अगर ये बात ना होती, लौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर एक जमात इन सब ने बन जाना है, अगर ये ना होता तो मैं काफिरों को इतना देता, उनके घर, उनकी सीढ़ियां, उनके छत्ते सोने की बनवा देता, चांदी की बनवा देता, घर सोने चांदी के बना देता। अगर मैं काफिरों को सोने चांदी के मकान दे देता, फिर मुसलमानों ने भी सोने चांदी के मकान लेने के लिए इन्होंने भी काफिर ही हो जाना है, इसलिए नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया। ये कोई चीज नहीं, हुकूमत मिलना छोटी थी, नबी वाला काम मिलना बड़ी थी, नबी वाला काम मिलना ये बड़ी थी, मान मिलना छोटी थी, उहदे मिलना छोटी थी, सब कुछ छोटी थी। इसलिए हम इन चीजों के पीछे ना पड़े, हम तो नबी वाला काम, नबी वाली मेहनत, रात दिन इसमें जान खपाए, हमारे जरिए से उम्मत तैयार हो। जैसे इमाम अंबिया जब गारे हिरा से नीचे उतरे, जब नबूवत का आकाम सपुर्द हुए, वही शुरू हुई, नीचे उतरे, जमीन पर एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो कि इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, एक भी नहीं। यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, लेकिन साथ ही अपने राहिबों को, उनको भी खुदा मानते थे, गुजार नसरान को अल्लाह का बेटा मानते थे। ये नसरानी ईसाई, ये ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे, और तीन खुदा मानते थे, ईसा, उनकी माँ मरियम और अल्लाह। अल्लाह का कुरान में कहता है, लकद कफर अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीसरा हिस्सा है, तीन में का एक है अल्लाह। ये हाल था, मजूसी आग की पूजा करते थे, ईरान में बुद्ध आतश कदा बनाया, हजार साल तक आग बुझने नहीं दी, आग बुझ गई तो हमारा खुदा मर गया, यही तो हमारा खुदा है, अपने खुदा को जिंदा रखना है। हम कहते हैं हमारा अल्लाह हमें जिंदा रखे हुए है, वो कहते हैं हम अपने खुदा को, अपने रब को जिंदा रखेंगे। ये हाल है,